अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। दोस्तों, कामयाब जिंदगी के 11 फार्मूले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, नंबर 1 पर तनख्वाह मत लें, तनख्वाह आपको कभी दौलतमंद नहीं बनाएगी। नंबर 2 पर आप अपनी रकम से कभी सरमायाकारी ना करें, सरमायाकारी सिर्फ दौलत की हिफाजत करती है, यह आपको दौलतमंद नहीं बनाती। आपको हमेशा सरमायाकारी से पहले सरमाया पैदा करना चाहिए। नंबर 3 पर आप रोजाना खुशहाली के 10 आइडियाज सोचे, ये 10 आइडियाज आपके लिए खुशहाली का खजाना साबित होंगे। नंबर 4 पर आप जिंदगी में कभी चाय, कॉफी और टैक्सी की बचत ना करें, पैसे बचाने के लिए बस पर सफर ना करें, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई शख्स बचत से अमीर नहीं हुआ। हिमारत ज्यादा पैसे कमाने से आती, बचत से नहीं। नंबर 5 पर आप लिखना सीखें, लिखने से इंसानी दिमाग में इजाफा होता है, आप में सोचने समझने की एहलियत बढ़ती है और सोचने समझने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहते। नंबर 6 पर आपके पास अगर रकम है तो आप कभी इस रकम का 2% से ज्यादा सरमायाकारी पर खर्च ना करें, 98% रकम अपने पास रखिए, 98% रकम आपके एतमाद में इजाफा करेगी। मैंने जिंदगी में बेशुमार ऐसे करोड़पति देखे जिन्हें अल्लाह ताला ने दौलत से नवाज रखा था, उन्होंने अपनी दौलत मुख्तलिफ मंसूबों पर लगा रखी थी और करोड़पति होने के बावजूद इनकी जेबें खाली। नंबर 7 पर आप कभी ऐसा कारोबार ना करें जिसमें ज्यादा मुकाबला हो, ऐसा कारोबार करें जिसमें आप अपनी इजरादारी कायम कर सके। नंबर 8 पर इस बात का हमेशा ख्याल रखें, 24 घंटे में 8 घंटे सोना सबसे अच्छी सरमायाकारी है। नंबर 9 पर आप हमेशा उन लोगों को वक्त दें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ना कि उन लोगों को जिनके लिए आप बेफजूल हैं, बेमाना हैं, या जिनको आपके होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10 पर आप सारा दिन उन नेहमतों पर शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जो आपको हिनायत कर रखी है, शुक्र इंसान की तवनाई में इजाफा करता है। नंबर 11 पर आप अपने ऊपर, अपने जिस्म पर, अपने जहन और अपने तजर्बे पर एतमाद करें, आप सही और गलत के बारे में दूसरों से पूछने के बजाय अपने आप से सवाल करें, दुनिया में आपका आपसे बढ़कर कोई दोस्त नहीं, क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते।